हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 28 जनवरी 2019 वार सोमवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसके से आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय समाचारों की। द सेंटर हैज अनाउंस्ड द ग्रांट ऑफ भारत रत्न टू फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आइडियोलॉजी नानाजी देशमुख एंड सिंगर भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका विल गेट दिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पोस्टुम्यूसली। केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द पद्मा अवार्ड्स विनर ऑफ द ईयर 2019 ऑन द एओ ऑफ रिपब्लिक डे ऑन January 25। द पद्मा अवार्ड आर काउंटेड अमोंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री। द पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री आर गिवन 3 कैटेगरी ऑफ ऑनर्स। दीज अवार्ड्स आर गिवन टू दोज हु मेक कमेंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2019 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी। पद्म पुरस्कार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में गिना जाता है। 3 श्रेणियों के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान दिए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 60 ईयर्स फॉर दियर हीरोइक वर्क। दीज अवार्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज इंक्लूडिंग भारत अवार्ड्स, संजय चोपड़ा अवार्ड्स, गीता चोपड़ा अवार्ड्स, बापू गेटवे अवार्ड एंड कॉमन नेशनल वारंटी अवार्ड। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें भारत पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, बापू गायदानी पुरस्कार और सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए मेजर डिसीजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड IBC। द कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिस लॉ व्हाइल रिजेक्टिंग ऑल पिटीशन चैलेंजिंग द IBC। सुप्रीम कोर्ट ने को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड IBC की संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने IBC को चुनौती दी जाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इस कानून की संवेदनशीलता को बरकरार रखा है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा हु केम टू इंडिया मेड एक्सटेंसिव डिस्कशन अबाउट एनहेंसिंग म्यूचुअल कॉरपोरेशन ऑन डिफेंस सिक्योरिटी बिजनेस इन्वेस्टमेंट एजुकेशन साइंस एंड मल्टी लेटरल फोरम्स एज वेल एज द टू कंट्रीज स्टिपुलेटेड ए 3-ईयर स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर
आए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति श्रील रामफोसा ने रक्षा, सुरक्षा, कारोबार, निवेश, शिक्षा, विज्ञान तथा बहुस्तरीय मंचों पर आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा की। साथ ही दोनों देशों ने 3 वर्षीय सामरिक कार्यक्रम पर मुहर लगाई। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द मुस्लिम डोमिनेटेड मलेशियन फैमिली सेलेक्टेड द न्यू एंड 16th किंग ऑफ द कंट्री ऑन जनवरी 24। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह विल बी द न्यू किंग ऑफ मलेशिया। ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेवरल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, फीफा एंड द एशियन हॉकी एसोसिएशन। मुस्लिम बहुल मलेशिया के राज परिवार ने 24 जनवरी को देश के नए और 16वें राजा का चयन कर लिया। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मलेशिया के नए राजा होंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा और एशिया हॉकी एसोसिएशन समेत कई खेल संगठनों से भी जुड़े हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो आपका करंट अफेयर्स है और सभी कंपिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।